सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वाटर बॉडी रिपेयर। वाटर बॉडी रिपेयर, इलेक्ट्रिक वाटर बॉडी किस तरह रिपेयर की जाती है और ये किन किन गाड़ियों में आती है, आज मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगा। तो वाटर बॉडी किस तरह रिपेयर करते हैं और इसमें कौन कौन सा फॉल्ट आता है, टोयोटा प्रियस हो, टोयोटा अल्फा हो, कोई भी इस तरह की हाइब्रिड गाड़ी हो जिसके अंदर वाटर बॉडी, इनके अंदर वाटर बॉडी आती है इलेक्ट्रिक, वो आज मैं वाटर बॉडी भी आपको चेक करवाऊंगा। तो साथ में वाटर बॉडी के अंदर क्या फॉल्ट आता है वो हम रिपेयर करके भी ओके करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाले हर नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक हमारी वीडियो पहुंचे और उनका भी फायदा हो। तो वाटर बॉडी रिपेयर करने का आसान तरीका क्या है, ये कैसे रिपेयर की जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ें खराब होती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी ऑफिस। ये जो मैं स्क्रू लगा रहा हूँ पेच, ये इसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हैं। अक्सर फॉल्ट इस वाटर बॉडी में इन कैपेसिटर का ही आता है और इसके अलावा बाकी इसकी किट के अंदर मॉस्फेट ट्रांजिस्टर चेक कर लेने चाहिए। जो ज़्यादातर फॉल्ट है वो इन कैपेसिटर्स में ही आता है और ये दो कैपेसिटर अगर ठीक हों आपके तो इस किट के अंदर कैपेसिटर लगे होंगे दूसरी साइड पे ना, अभी मैं आपको वो भी कैपेसिटर चेक करवाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ज़्यादातर कैपेसिटर जो हैं ये बड़े, इनमें फॉल्ट आता है और अगर ये कैपेसिटर आपके ठीक हैं तो आपके मॉस्फेट ट्रांजिस्टर जो लगे हैं उनके अंदर मसला आएगा।
क्वार्टर बॉडी कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।